संजीवनी घोटाले को लेकर सीएम अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच वार पलटवार का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। गहलोत ने एक बार फिर शेखावत पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इस आदमी की पोल खुल चुकी है। सरकार गिराने के वक्त जो वॉइस रिकॉर्ड हुई वो इन्हीं की है, इसके बावजूद वह सैंपल नहीं देना चाहते और बहानेबाजी कर रहे हैं। क्योंकि सीधा आरोप लगा हुए हैं, उनके परिवार वालों पर आरोप लगाया है, उन पे आरोप मैंने लगाया, अब मेरे खिलाफ में डिफेमेशन केस कर रहा है, तो मैंने स्वागत किया उसका भी। इसी माने इन गरीबों को, 2 लाख लोग हैं परिवार, 2 लाख लगभग परिवार है राजस्थान में जिनके पैसे डूब गए हैं। अगर मान लो मेरा वो जो डिफेमेशन केस बनाते मेरे खिलाफ में और मुझे पेशे में जाना पड़ेगा, तो कम से कम ये इश्यू तो जिंदा हो जाएगा ना। दबाव पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर का दबाव पड़ेगा इनके ऊपर, तो वहाँ तो पैसा आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो मैं तो उसे अप्रोच कर रहा हूँ भाई कि जो ये करना चाहे करे, मेरे खिलाफ कुछ भी करे, तो पैसा लौटाने के लिए आ गया है। मेरा मानना ये है, हाईकोर्ट में गए बहानाबाजी करने के लिए, सीबीआई केस दिलवाने के लिए। अब इनको मालूम है जब SOJ जाँच पूरी कर चुकी है करीब करीब, और कभी भी कार्रवाई हो सकती किसी खिलाफ में भी, अब घबरा करके आप जो है वहाँ पर एक तरफ मेरे खिलाफ केस कर रहे हैं, दूसरी तरफ हाईकोर्ट के अंदर आप कह रहे हैं इस केस को भेज दो, आप तो CBI में भेज दो। इतने डर गए, ये पूरी पोल खुल चुकी है इस आदमी की। जो मुलमा लगा रखा था अपना, वो बहुत जल्दी आउट हो गए और इतने घबरा गए हैं कि अब दिल्ली में यहाँ पे लोकेश शर्मा जो मेरा OSD है, इनकी जो वॉइस रिकॉर्ड हुई वहाँ सरकार गिराने के वक्त में, वो इन्हीं की वॉइस है और आप उसको दे नहीं रहे हो, आप देना चाहते नहीं हो वॉइस सैंपल, बहानाबाजी कर रहे हो आप, और उसके लिए खेल उल्टा कर दिया उसके ऊपर। वो केस चल रहा हाईकोर्ट के अंदर, वहाँ पे दिल्ली के अंदर ये हरकतें मेंबर पार्लियामेंट जोधपुर की, जिसके पास इतना इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है। हम सबको खुशी हुई कि इनके पास पोर्टफोलियो आया पानी का, जिसकी जरूरत है जोधपुर वासियों को, राजस्थान वासियों को। और इनकी हरकतें जो आई है, और इथोपिया में पता नहीं कहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया पैसे का, तो पैसा लूटा हुआ होगा, पैसा आया कहाँ, बताए जनता को? ये खुद जनता को आगे क्यों नहीं बता रहे हैं? जैसे मेरे पास 3 बार आ गए वो लोग, आंखों में आंसू हमारे आ जाते हैं जब उनकी बातें सुनते, तो उसी प्रकार की मीटिंग ये करे। अगर ये दोषी नहीं है तो भाई ये क्यों नहीं मीटिंग बुलाते हैं और कहेंगे भाई मेरा वो दोस्त था, अब दोस्त नहीं है, उसने बेईमानी करी है जो जेल में बैठा हुआ है, मेरा कोई संबंध नहीं है, ये कहने में क्या संकोच था इनको? अगर ये सच्चे में चलना चाहते हैं तो रिकॉर्ड के अंदर बातें है नहीं, रिकॉर्ड में पैसे लेन देन हुआ है इन सब का, रिकॉर्ड जो SOJ के पास लेन देन के पूरे प्रूफ है ना। गहलोत ने आगे कहा कि शेखावत ने वॉइस सैंपल देने की बजाय उल्टा मेरे OSD लोकेश शर्मा पर ही दिल्ली में केस कर दिया। जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत की हरकतें हैं जिनके पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत डर गए हैं, अगर वो दोषी नहीं है तो जनता को बताए कि ये पैसा कहाँ से आया। गौरतलब है कि मंगलवार को कार्यकर्ताओं से संवाद करने के लिए सीएम गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जोधपुर पहुंचे थे। इस दौरान सीएम गहलोत जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से रूबरू हुए। प्रेस वार्ता के दौरान संजीवनी घोटाले को लेकर उन्होंने केंद्रीय मंत्री को जमकर खरी खोटी सुनाई।